आप सामने से देख लो गाइस, इसमें जिप लोग सुनाते, देखो चेक करो तो। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग गाइस। एंड गाइस आज का ब्लॉग हम लोग कुछ इस तरह का लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। तो बहुत दिनों बाद गाइस आज ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये रही अपनी बाइक उधर खड़ी है और आज हम लोग इस रोड से स्टार्ट कर रही है बलियापुर सिंधी जाने वाला रोड। और गाइस आज कहाँ जा रहे हो तो आप लोग को ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो गाइस चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, सीधे मिलते हैं मोटर ब्लॉग। ये ट्रक तो गजब ही कटिंग कर रहा है यार, ओवरटेक करने ही नहीं दे रहा। और सामने से बहुत ज़्यादा विंड आ रहा है तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो मेरे वॉइस पे। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं प्रधान घंटा वाले ओवर ब्रिज पे और इस जगह पे फोटोशूट एक नंबर होगा। हमको तो कैमरा का शौक ही खत्म हो गया है फोटोशूट का, खास करके एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा फोटो खिंचाने का मन करता था लेकिन अभी थोड़ा सा भी मन नहीं करता फोटो वोटो खिंचाने का। जब गाइस हम 8 स्टैंडर्ड में थे ना तब बहुत ज़्यादा कैमरा, मतलब ऐसे तो कैमरा रेंट पर भी मिलता था प्लस दोस्त लोगों के पास था तो वो लोग तो देता नहीं था उतना ज़्यादा रेगुलर, बट लेकिन रेंट में कैमरा मिल जाता था ना तो हमको लग रहा कि हर वीक में या 2 या 3 बार तो डेफिनेटली फोटोशूट के लिए जाते ही जाते थे। तब का समय कुछ और था, अभी का समय बहुत ही अलग हो चुका है। मतलब फोटोशूट बहुत ही अच्छा चीज़ है, खिंचाना भी चाहिए। मतलब फोटो रहेगा तो आप लोग को इन आने वाले फ्यूचर में आपको याद रहेगा मेमोरी। और गाइस आप लोग को बताना कमेंट में कि मेरा प्रीवियस वीडियो कैसा लगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, मतलब 6 मिनट का करीब कुछ वीडियो था। ऐसा तो वीडियो बहुत ही लंबा था लेकिन पता नहीं मेरा माइक एडाप्टर में प्रॉब्लम है या फिर माइक ऑडियो रिलीज कर दे रहा, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। रिकॉर्ड तो हो रहा, फोटेज आ रहा बट ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। इतना क्लिप काटे ना वहाँ पर, बहुत ऐसा मोमेंट हुआ जिससे हम लैरक से बात किए, गोप्रो ऑन था लेकिन वो सारा चीज़ मोडी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो सारा चीज़ जिस कारण बहुत ही शॉर्ट बन गया मेरा वीडियो। और जितना जल्दी पॉसिबल होगा ये वाइज़र हम चेंज कर देंगे क्योंकि ये वाइज़र में इतना ज़्यादा डस्ट बैठ चुका है ना, अंदर से भी बाहर से भी, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ चुका है। ऐसे रोड पे चलते हो जो कंकड़ रोड का आता है ना उससे बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो गया तो साफ साफ दिखता नहीं। तो अपनी बाइक में भी फ्यूल है नहीं तो जाकर पहले इसको फिलअप करवा लेते हैं। 5 मिनट्स लेटर तो फिलहाल अभी फ्यूल अप करवा लिए हैं। और ज़्यादा फ्यूल अप करवाया नहीं क्योंकि अभी थोड़ा विली विली मारेंगे तो टंकी थोड़ा हल्का होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा फ्यूल करवाया नहीं है। तो देखते हैं बीको भाई मेरे लिए वेट कर रहा है कि नहीं बलियापुर, क्योंकि उसको कॉल करके बोले थे कि उसी जगह पर वेट करना मेरा। अभी बहुत देर वेट किया बीके बॉय का बट वो अभी तो सोचा अभी निकल जाते क्योंकि अमन लोग का भी बहुत बार कॉल आ चुका है। तो गाइज अभी हम लोग कुछ इस तरह के लोकेशन में है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने आए हैं और ये स्टंट पॉइंट हम लोगों तरफ से नाम रखा गया है। देखो अभी अपनी 3 बाइक अभी अपने साथ है, बीके बॉय की R15M, इसका लुक बहुत ही खतरनाक, सामने से देख लो गाइस इसमें जोकर वोकर एडिशन, मतलब इसका हेलमेट जो जोकर एडिशन है उसी तरह का इसमें ग्राफिक्स करवाया, बहुत ही खतरनाक लगता है। और साथ ही में इसमें लगा हुआ है एक्रा पॉप नहीं है कौन सा ब्रांड का नो आइडिया बट बहुत ही मस्त इसका भी साउंड है, एक बार आप लोग सुनाते देखो चेक करो, मतलब बहुत ही खतरनाक इसका आवाज़ है, पता नहीं चलाने में इसको डर उर लगता है कि नहीं चलान वलान का। और अपने भीतर इधर है तो अभी थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आर्यन भाई अभी बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं देन यहाँ से निकलते हैं। हाँ देखते हैं क्या चीज़ हो पा रहा है पॉसिबल। बहुत ही स्टॉप ही ट्राई करते हैं, हो नहीं रहा भाई। एक बार फिर ट्राई करते हैं,
चलो कुछ थोड़ा स्टंट तुम मार के देखा। बहुत सही खतरनाक कर रहा है। हो जाएगा कोशिश करते रहो। ओहो चलो सही है हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा। गाइस चेक करो ओ मेरा लेना हम इधर से मारेंगे, तुम इधर से मारो। इधर हाँ नहीं अच्छा इधर से आज शूट करो। शूट करने से दोनों एक साथ मारते हैं। यहाँ एक बस होगा भाई भाई मार एक नंबर। तो गाइस इधर अभी खतरनाक वाला पब्लिक जम चुका है। इधर छोटे छोटे बच्चे स्टंट का मजा ले रहे हैं और इधर हम लोग थोड़ा अभी बाइक को कूल होने के लिए छोड़े क्योंकि बहुत देर से ये हीट अप हो चुका था तो टेम्परेचर डाउन होने देते।